वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हर एक कौम विच उस दे शहीदां नू मान सत्कार दिता जांदा है ते सानू बड़ा माण है कि सिखां दे विच वी जिहड़े साडे शहीद होए ने उहनां नू असीं बहुत सत्कार दिंदे आ। सिखां दी बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन रही महाजंगां दे विच वी। असीं देखिया कि सिख फौजियां ने जा के अपने जाना वार के कॉन्ट्रीब्यूशन कीती। उस तो बाद असीं देखिया कि इंडिपेंडेंस तो बाद भी तो उस तो पहला भी साढ़े गुरु हरगोबिंद साहब ने ही संत सिपाही का जज्बा जो सी वह भर दिता सी। पर अज असीं देख रहे हैं कि जिवें समा बीत रहा उस तरीके नाल असीं जो श्रद्धांजलि जो रिस्पैक्ट साढ़े शहीदां नूं ते खास तौर पर फौजियां नूं मिलनी चाहिए उस तो शायद असीं भुल रहे हैं। अज ईवन ये भी देखा जा रहा है कि यह दो जिहड़े किते होया करदे सी किरसानी ते फौज का उस दे विच भी असीं घट इंटरस्ट लै रहे हैं। इसी संबंध में अज इतिहास के पन्नों नाल सानूं जोड़नगे कर्नल सुरजीत सिंह निशान अते दसणगे कि क्यों जरूरी है इन्हां शहीदां नूं याद रखने लई की कुछ करन दी लोड़ है ते किस तरह उन्हां दी जो शहीदी है उसनों असी समझ के अज के जीवन दे विच जो कुछ साढ़े आले दुआले हो रहा है उसनों असी श्रद्धांजलि सही दे सकी। स्वागत करने कर्नल सुरजीत सिंह निशान का। जी हाँ जी कर्नल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो कर्नल साहब, सानू इतिहास तो जोड़ो, दसो कि सिखां दी जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हैगी है गुरु हरगोबिंद साहब तो जिहड़ा जज्बा भरिया से चलता चलता असी देखिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सैकेंड वर्ल्ड वॉर में जाके कैनेडा में भी होर मुल्कां भी जिथे भी फौजी गए उन्होंने अपना पूरा योगदान पाया। सो अज सानू इतिहास नाल जोड़ो। देखो गुरु हरगोबिंद साहब के वक्त तो गुरु साहब ने अपने सिखा शस्त्रधारी बनाया, अकाल तख्त की सृजना की थी और उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ को अमृत की दात बख्श के जी उन्होंने पूरा सिखी स्वरूप और कोड ऑफ कंडक्ट दिता। ठीक। कवि कहता है कि जदों महाराज अमृत छकाल तो पहला भाई दया राम ने शस्त्र वगैरह सारे देखे तो कहता महाराज हम तो तोली जानो तकड़ी नंगी करद कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े हम सब डर पाए मुगलों क्यों कैसे डर पाए लड़ पाए। तो कहते मुगलों ना लड़ना है शस्त्र फड़ने है ने तो उस वक्त दे कहण मुताबक यह दसा जाता है कि जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि दया राम अमृत छकन तो बाद मैं तुम्हें वायदा करता कि जब लग रहे खालसा न्यारा तब लग तेज दियूं मैं सारा और मैं वायदा करना कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं तब ये गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ठीक। और इतिहास इस गल का गवाह है कि पंजाब की धरती जिहड़ी पिछले 700 साल तो गुलाम सी उस धरती दे उत्ते उन्हां सिंघां बहादुरां ने जिन्हां ने गुरु महाराज कोलों अमृत छकिया उस धरती दे उत्ते अपनी सरदारी कायम कीती और 1799 दे विच जी अपना केसरी निशार साहब लाहौर दे तुला दिता। ठीक। अपना राज कायम कर लिया। सो सिखां ने और उस तो बाद भी अगर किसी वक्त इन्हां ते पीड़ा पई है जी मीर मनू दे वक्त या अब्दाली दे वक्त तो उदों भी इन्होंने किसी दे ईन नहीं मनी, जूझ दे होए शहीद होए ने। ठीक। जिन्होंने असीं वड्डा कलोकार और छोटा कलोकार करके याद करते हैं। राइट। और उस तो बाद जो अंग्रेजों का टाइम आया तो उन्होंने एक गल बड़ी पल्ले बन ली सी कि जेडे सिंह अमृत छक लेंदे ने ना जी उन्हों का मुकाबला दुनिया के कोई होर फौज नहीं कर सकता। और उन्होंने जदों वर्ल्ड वार वन शुरू हुई है जी और पंजाब हिंदुस्तान दे विच फौजी भर्ती शुरू हुई तो सिंघां ने सारनों पहला और अगे वध के अपनी नां दर्ज करवाया फौज विच। ठीक। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारनों पहला ये काम किया कि जिन्हें भी फौजी भर्ती हुए ने उन्होंने सारियां नूं अमृत छका के अमृतधारी बनाया और सारिया यूनिटा के जिन्हें भी सिख यूनिटा सन जी उन्होंने सिंघां की चढ़ती कला वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी प्रोवाइड किए। ठीक। और इतिहास गवाह है कि सिंह जो फौजा के फ्रांस के होर जगह से लड़ रहे सन जी तो गुरु ग्रंथ साहब जी अपने सिर पर चुक के फौजी मैदान लैके गए ने। ठीक। और उत्थे जिथे कि एक पासे सिंह मैदान के लड़ते सन बेस कैंप वाले सिख जिहड़े सन वो
ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਿਸਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਬਰਬੋਏ ਵਾਲੀ ਕਿ ਅਤਰਹੀਨ ਰਣ ਮੇਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਜਬ ਆਪ ਅਹੁਦਾ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤਰਹੀਨ ਰਣ ਮੇਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਔਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 83,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਰਾਈਟ, ਔਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਔਰ 2 ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 83,000 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 83,000 ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਔਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਚਰਚਲ, ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਓਬਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਇਨਡੈਪਟਡ ਟੂ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਏ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਆਈ ਨਿਊ ਦੈਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਚਰੀ ਵੀ ਨੀਡਿਡ ਦੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟਵਾਈਸ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਡ ਹੈਲਪ ਅਸ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ, ਐਜ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਆਰ ਟੂਡੇ ਏਬਲ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਆਨਰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਫਾਟ ਐਂਡ ਡਾਈਡ ਫਾਰ ਅਸ ਵੇਅਰਿੰਗ ਟਰਬਨਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
जनरल सी और उस तो बाद कुछ देर चीफ ऑफ आर्मी आर्मी स्टाफ पाकिस्तान भी रहा। अच्छा जी। और उसने ये दोनों वर्ल्ड वार च हिस्सा लिया है। वो भी ये कहता है कि इन द लास्ट टू वार्स वर्ल्ड वार्स 83,505 टर्बन वेयरिंग सिख सोल्जर्स वर किल्ड। राइट। ही स्पेसिफिकली मेंशनिंग टर्बन वेयरिंग सिख सोल्जर वर किल्ड। राइट। एंड 1,09,045 वर वाउंडेड। दे ऑल डाइड और वर वाउंडेड फॉर द फ्रीडम ऑफ ब्रिटेन एंड वर्ल्ड। सो जिथे बाकी सारी दुनिया के वड्डे वड्डे लीडर जी साडे फौजी सिंघा दियां कुर्बानियां ते इन्ना माण कर रहे ने, असी क्यों विसार रहे उन्हां नूं, असी उन्हां नूं नहीं, उन्हां नूं जिस तरह तुसीं कहा कि वो जो रिस्पैक्ट उन्हां नूं मिलनी चाहिए सी। इहदे बारे गलबात करन कर्नल साहब, एक छोटी जी ब्रेक लैने, वापस आने ते होर जानकारी लैने आ कि किस तरीके नाल तुसीं समझदे हो कि शहीद श्रद्धांजलि इन्हां नूं की होएगी, ये जिहड़े साडे हीरो सी जिन्हां दी बदौलत अज दुनिया भर विच डेमोक्रेसी जिहड़ी है वो प्रिवेल कर रही। इस ब्रेक तो बाद जानकारी लैने। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1-866-790-8984 Business Solutions, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। सो स्वागत जी एक बार फिर आप सब का अज्ज दे इस प्रोग्राम विच। कर्नल सुरजीत सिंह निशान सानू दस रहे ने साडे इतिहास दे पन्नियां विच फरोल के कि सिखां दी की कॉन्ट्रीब्यूशन रही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सैकेंड वर्ल्ड वॉर विच, ते उस तो अलावा होर जंगां विच भी। कहा जांदा है कि जिहड़ा फौजी अपना खून जो है वह वहा दिंदा है ताकि असी सिक्योर रह सकीए, अते यही असी देखिया 83,000 दे करीब जिहड़े फौजी सन टर्बन वेयरिंग सिख्स, जिस दे बारे जनरल साहब ने इन्होंने जिक्र किया सी कि उन्होंने शहीदियां दित्तियां। पर अज जिथे ये 100 साल मनाया जा रहा है, उस दे विच सिखां दी कोई ऐसी यादगार यूरोप विच नहीं, ना ही पंजाब विच है, ना किते होर कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की जा सके। इसी संबंध में होर जानकारी लैने कर्नल साहब तो की किया जा सकता है, तो क्यों अगेन लोड है टर्बन वेयरिंग सिख्स जिन्हां दे बारे जिक्र हुंदा है, अज तो टर्बन भी असी जो है इसनों भारी समझ रहे हैं तो इसनों भी असी विसार रहे हैं। आओ होर जानकारी लैने जी कर्नल साहब। सो जिस तरह तुसीं दस्सिया कि कोई साडे कोल कोई ऐसी थां नहीं जिथे असी इन्हां नूं श्रद्धांजलि अर्पण कर सकीए, पर जो हुण माहौल बनता जा रहा थोड़ा जिहा उहदा जिक्र कर लीए। बाणी ते बाणी तो जो असी दूर हुंदे जा रहे हां, ते बाणा साडी एक डिस्टिंक्शन सी, जिस तरह बार बार ये चीज़ तुसीं दोहराई कि टर्बन वेयरिंग सिख, एक सिख की पहचान ही उसकी टर्बन होया करती सी, पर अज तो असी आप ही उसनों खत्म करी जा रहे हैं। पंजाब विच भी होर बाहरली थावां विच भी एक बड़ा वड्डा चैलेंज हैगा। तुसीं की समझदे हो कि ये शहीदां तों की असी सीख सकदे हैगे? देखो मैनू फिर गल याद आउंदी है कि टर्बन वेयरिंग जां अमृतधारी सिंह विच और एक आम आदमी विच जी की फर्क है कि एक जदों पाकिस्तान दे नाल साडियां लड़ाइयां होईयां ने जी, तां पाकिस्तान दा जरनैल खान जिन्हें हुणे किताब पब्लिश होई है जी, वह कहिंदा है कि साडी बदकिस्मती यही रही है कि जो भी अस हिंदुस्तान नाल लड़ाई करते हाँ तो साढ़े सामने सिंह फौजी आ जाते हैं, और इन्हों के अंदर गुरु ने पता नहीं कैसा जज्बा भरया है कि ऐसे जज्बे नाल लड़ते हैं कि दुनिया की कोई भी फौज हो आपे नालों कई गुणा ज़्यादा फौज में हराने के काबिल ने। ठीक। सो ये जज्बा से जोड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भरया। ठीक। पर फिर जदों मैं बाणी वल का जिक्र आता है कि दुख दारू सुख रोग पे कि असी माया दे सुखां विच बह के गुरु साहब की दित्ती हुई वो पहचान उन्हूं असी भुला रहे हैं जी, और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि साडियां पग्गां नूं एयरपोर्टां दे उत्ते लवाया जांदा है जां उन्हां नूं सत्कार नहीं दिता जांदा जी। अगर असी अपनी बाणी और बाणी दे नाल जुड़े रहिंदे ते दुनिया की कोई ताकत नहीं सी राइट कि जिहड़ी कि साडे इस बाणी दे उत्ते कोई किंतु परंतु कर सके राइट। सो उस दे विच हुण जो करन दी लोड़ हैगी, जिस तरह तुसीं ये 100 साल मनाया जा रहा है वर्ल्ड वॉर्स दा, हर एक मुल्क दे जिन्हें भी उत्थे शहीद होए उन्होंने जाके श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं,
कैनेडा भी जो है वह भी हाल ही विमी रिज की जी बैटल से उत्थे जाके भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पण की। सो हम किया जा सकता है हूँ मैं तो ये समझदा कि जो वे वे जनरल वे वे लीडर दुनिया के तुहाडे सिंघां दे जोश बारे उन्हां दीआं लड़ाइयां बारे उन्हां दी शहीदियां बारे खुद श्रद्धांजलियां दे रहे ने जी ते साडी कुछ हालत असल ऐसी है कि दुनिया तो सुन रही थी बड़े गौर से अगर हम ही सो गए दास्तां कहते कहते कि असीं अपनी गल जिहड़ी है ओह वी नहीं दस ओह दुनिया नूं नहीं दस सके राइट जिहदा इह नतीजा है कि असीं अज भुगत रहे। सो मैं अज दे दिन जिन्ने भी शहीद सिंह और दूसरे इन्हां वर्डवारा में शहीद होए ने जी जिथे उन्होंने श्रद्धांजलि देना और नवंबर दे विच सब जगह श्रद्धांजलियां उन्होंने दित्तियां जाणगियां जी मैं ये चाहवांगा कि कनेडियन सिख इन्हां दी संस्थावां जिहड़ियां ने वह मिल के कोई ऐसा उपराला करन जी कि कनेडा दे विच उन्हां शहीदा सिंघां दी जी कोई ढुकवीं यादगार ढुकवीं जगह दे उत्ते बनाई जाए और नवंबर दे महीने दे विच पहले हफ्ते विच जदों यादगार बनाई जाणियां ने उदों अपने अपने गुरद्वारियां दे विच जी उन्हां दे निमित अखंड पाठ रख के ते श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कीते जाण और उहदे विच दूजे जिहड़े लोकल लीडर्स हैगे ने जी उन्हां नूं बुला के ताकि उन्हां नूं पता लग सके कि भी सिंघां दी कंट्रीब्यूशन की रही है की। बिल्कुल जी लिटरेचर होए जिहदे च के इतिहास जो कुछ तुसीं दस्सिया इहनूं अंकित कीता जाए ताकि बाकियां नूं पता चल सके। बाकी जिथों तक यह गल है कि सिंघ जिहड़े ने किसानी तो और फौज तो थोड़ा जिहा पिछा हट रहे ने जी पर मैं ये समझना और मैं वेख्या कि अगे तो आम तौर पर सिख और टर्बन सिख जिहड़े ने वो सिर्फ हिंदुस्तान की फौज ही हुंदे सन जी पर हुण मैं वेख रहा कि टर्बन सिख जिहड़े ने यूके की फौजों में भी है आस्ट्रेलिया भी है कनेडा भी है न्यूजीलैंड भी है राइट पाकिस्तान भी है ठीक। सो टर्बन सिख सोल्जर हाली भी उन्ना ही उत्साह है जिन्ना पहला सी राइट और जदों तक गुरु महाराज के उस कहन के मुताबिक कि जब लग ग्रह खालसा न्यारा न्यारे रहनगे तब लग तेज दियो मैं सारा तब लग तेज दियो मैं उन्होंने तेज इन वरतेगा ठीक और जो तक उन्होंने तेज वरतेगा ये जेडे भी जंग में जाएंगे ये फतेह हासिल करेंगे। पर नाल ही कहते थे जब है विपरण खरीद तब ना करो इनकी प्रतीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत प्रतीत। सो हुण पंजाब दे और खासकर हिंदुस्तान दी यूनिटां दे कई यूनिटां ने अपना माटो ये बनाया कि निश्चय कर अपनी जीत करो ठीक। सो ये जदों भी मैदाने जंग में जाते हैं जी इस निश्चय नाल जाते हैं इस भावना जाते हैं कि मैं जित प्राप्त करनी है और इन्होंने जिन्हां जितां प्राप्त कीतियां ने जी शहीदियां दित्तियां ने वो शहीदियां अजाई नहीं जा सकदियां राइट और असी सारे रल मिल के उन्हां दियां शहीदां दियां यादगारां ढुकवीं यादगारां बुख बुखरे मुल्कां विच कायम करांगे जी ते तां ही शायर दे ओ लफ्ज़ कहे ठीक साबित होणगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले हर बरस मेले लगने चाहिए ने ताकि आने वाली संतानों आने वाली पीढ़ियों जनरेशन अपने शहीदों बारे दे कंट्रीब्यूशन बारे पता लग सके। बिल्कुल गुरु साहब सही कहा कि हाल ही कैनेडा के प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर ने भी प्राइवेट सिंह जिहड़े साडे हैगे सन उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पण कीतियां ते कहा कि ये सिखां दी बदौलत इन्होंने वर्ल्ड वॉर विच भी ते कैनेडा विचों भी इत्थे जा के जो अपना योगदान पाया ते अज भी एक ट्रेंड बन रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस वाले पासे साढ़े सिख बच्चे अगे आ रहे हैं बहुत वधिया गल है। पर जदों तक ये विसारी जावांगे जेकर कोई साढ़े कोई एग्जाम्पल नहीं होएगा जिहड़े कि 83,000 सिख फौजियों ने जिहड़ियां अपनियां कुर्बानियां कीतियां इहनूं इतिहास विच असीं अगे नहीं चलावांगे तो हौली हौली ये चीज़ जिहड़ी हैगी खत्म हो सकती है। जरूरी गल है सारे लोग कहते हैं कि जिहड़ियां खवां अपने इतिहास नूं भुल जांदियां ने उन्होंने अपना इतिहास दोबारा दोहराना पैंदा राइट। सो इसलिए कि असीं उन्हूं ज़्यादा फिर दोहराना ना पवे असीं ये चंगा होवेगा कि जिहड़े शताब्दी का मौका आ रहा है राइट कि इस मौके उत्ते असीं उन्हां दीआं यादगारां कायम करके उन्हां दीआं शहीदियां नूं जिंदा करिए ताकि साडीआं आने वाली जनरेशन राइट उन्हां ते माण महसूस कर सकन।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 100 ਸਾਲਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਜੋ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ 604-603-7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingshow@gmail.com। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ youtube.com/harpreetsingshow 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।